कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। कई राज्यों में दूसरी बार भी लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे आम जनता की जान माल का सुरक्षा हो सके। इसके लिए भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी लागू किया, लेकिन कोरोना महामारी कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जा रहा है। इस कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमाने ढंग से चल रहा है, जबकि 1 मार्च से खोलने की आदेश जारी किया गया, मगर ग्रामीण इलाकों में उस आदेशों को तार तार किया गया और उनके आदेशों को ठेंगा दिखाया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित बलाइन गांव में सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और सरकार के नुमाइंदे कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई, जबकि कोरोना महामारी अभी तक देश से पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हड़ताल में कुछ प्राइवेट स्कूल संचालक खुद अपनी मनमर्जी से स्कूल चला रहा। यह आदर्श विद्या मंदिर नाम से प्राइवेट विद्यालय है। इस विद्यालय में जरा देखिए कि किस तरह से सरकार और प्रशासन के आदेशों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। श्याम सहनी, जो कि इस गांव में अपने वर्चस्व स्थापित किया हुआ है और मनमाना ढंग से प्राइवेट स्कूल चला रहा है, बांस बल्ले की स्कूल बनाया हुआ है, जो कि छात्रों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अब मौसम में बदलाव होने जा रहा है, बारिश और तेज हवा आने वाली है और इस बांस बल्ले से बनी विद्यालय को उड़ा ले जा सकती है और इसमें पढ़ने वाले छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जबकि यह श्याम सहनी नाम का युवक बांस बल्ले से बनी विद्यालय को अवैध रूप से ही चला रहा है। जब इनसे पूछा गया तो बेरोजगारी का रोना रोने लगी। आप लोगों का कोरोना कोरोना के बाद ऐसे समझ लीजिए कि हम लोगों को लग रहा है कि ये हम लोग का अस्तित्व था ही नहीं, अस्तित्व मिट चुका है, अस्तित्व पर पड़ा हुआ है। अब तो हम लोग का जो है सो समझिए शुरुआत ऐसा लग रहा है, शुरुआती दौर लग रहा है। अच्छा, देख रहे हैं पूरा आपका टाट में है जो बांस के पीछे बना हुआ है विद्यालय, तो एलिवेस्टेड है, इससे तो कैंसर का भी शिकायत हो सकता है। ऐसे हम कैसे बना कैसे चला रहे हैं स्कूल? स्कूल अभी खास करके ये कहिएगा स्कूल चला रहे हैं, स्कूल तो है नहीं, लेकिन क्या करें, सरकार जो है सो रोजगार में समस्या अभी आ रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है रोजगार में कमी आ रहा है, तो रोजगार सीजन का कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे। हम लोग सरकार जो है कई तरह की योजना देते हैं, उसके माध्यम से लोन भी देते हैं, लेकिन गरीब लोगों तक लोन पहुंच नहीं पाता है, तो हम लोग क्या करें, इसको उठा रहे हैं, अपना स्तर मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। आएगा समय तो स्कूल बनाएंगे, अच्छा से चलाएंगे। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार सहनी।